सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जीवन में कभी भी स्त्री जात को रुलाना मत। रावण का सर्वनाश हुआ तो नारी के कारण, दुर्योधन का सर्वनाश हुआ तो नारी के कारण। वो नारी सीता थी, ये नारी द्रौपदी थी। हाँ या ना? आपका भी सर्वनाश होगा यदि आपने किसी नारी के साथ अत्याचार किया तो, किसी नारी के साथ गलत व्यवहार गलत आचरण किया तो आपका भी सर्वनाश सुनिश्चित है। रावण जैसे दिग्गज नहीं बचे तो आपकी और हमारी औकात कितनी है। इसलिए नारी किसी भी रूप में हो उसका सिर्फ सम्मान कीजिए। नारी चार रूपों में विभक्त है। नारी को माँ कहते हैं, नारी को माँ कहते हैं, नारी को बहन कहते हैं, नारी को बेटी कहते हैं और नारी को पत्नी कहते हैं। नारी के चार रूप है। हाँ, नारी माँ है, माँ का सम्मान करो। नारी बहन है, बहन का सम्मान करो। नारी बेटी है, बेटी का सम्मान करो। और नारी पत्नी है, पत्नी का सम्मान करो। जो व्यक्ति नारी जात का सम्मान करता है वो किसी भी रूप में आपके घर उपस्थित हो, जब आप नारी को प्रसन्न करते हैं तो नारी की प्रसन्नता से नारायण प्रसन्न हो जाते हैं। नारी दुखी तो नारायण दुखी, और नारी प्रसन्न तो नारायण प्रसन्न। इसलिए जिस घर की स्त्रियां सदा प्रसन्न रहती हैं, खुश रहती हैं, हंसती रहती हैं, उस घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। और जिस घर की स्त्री सदा रोती रहती है, लक्ष्मी माँ उसके घर से उल्टे पांव भाग जाती, इसके घर नहीं आएंगे, ये तो नारी का सम्मान नहीं करता। लक्ष्मी बोलती है, मैं भी तो नारी हूँ, ये अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करता, अपनी माँ का सम्मान नहीं करता, तो मेरा सम्मान क्या करेगा, मैं भी तो नारी हूँ। इसलिए सम्मान कीजिए, अपमान ना कीजिए। नारियों ने बहुत कष्ट उठाए हैं, बहुत 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 कष्ट उठाए हैं नारियों ने, पर समाज ने इनके कष्टों को, इनके त्यागों को ना कभी देखा है, ना कभी देखने का प्रयास किया है। नारी किसी सन्यासी से कम नहीं होती। साधु जब सन्यासी होता है ना तो बाल घुटाता है, नाम छोड़ता है, उसका सन्यास के बाद नाम अलग होता है, जात अलग हो जाती है, जात की तिलांजलि हो जाती है, सब कुछ त्याग कर वो सन्यासी होता है। उसी प्रकार नारी जब शादी करती है, विवाह होता है, तो अपने पति के लिए उसने अपनी माँ का त्याग किया, पिता का त्याग किया, बहन का त्याग किया, आंगन का त्याग किया, नाम का त्याग किया, गोत्र का त्याग किया। यहाँ तक कि नारी जब ससुराल जाती है उसका नाम गोत्र अलग हो जाता है, पहनावा अलग हो जाता है। शरीर उसका है पर मांग पति के नाम की, गला उसका है पर मंगलसूत्र पति के नाम का, हाथ उसका है पर मेहंदी पति के नाम की, पांव उसका है माहौर पति के नाम का, अरे पेट उसका है पर बच्चा तुम्हारे नाम का। पेट फटता है नारी का और बच्चा मिलता है पिता को कि भाई भलाने का बेटा हुआ, भलाने का बेटा हुआ। नारी का नाम नहीं जुड़ता पिता बेटे के साथ। लोग ये नहीं पूछते तुम्हारी माँ का नाम क्या, लोग यही पूछते तेरे बाप का नाम क्या। मतलब नारी का त्याग, नारी का बलिदान देखा किसने। इसलिए कहता हूं भगवान श्री कृष्ण नारियों का सम्मान करते थे। सम्मान ना करते होते तो भरी सभा में द्रौपदी की लाज लुटी, वहां हजारों पुरुष बैठे थे और ऐसे वैसे नत्थू खैरे नहीं बैठे थे, एक से एक दिग्गज, एक से बढ़कर एक धनुर्धर, अर्जुन जैसा धनुर्धर, भीम जैसा गदाधर, धर्मराज युधिष्ठिर जैसा भालाधर, भाला फेंकने में माहिर, पितामह जैसा दिग्गज, गुरु द्रोणाचार्य जैसे लोग बैठे थे। फिर भी उस सभा में नारी का अपमान हुआ कि नहीं, द्रौपदी की साड़ी खिंची कि नहीं। परिणाम रक्षा किसने की, भगवान ने। याद रखना मेरी माँ, वह परमात्मा नारियों का तब से रक्षक है। जब जब राम ने रावण को क्यों मारा, रावण को मारने का कोई शौक नहीं था, राम जी ने रावण को इसलिए मारा
ताकि आगे से कोई पराई स्त्री पर दृष्टि ना डाले कि देखो रावण जैसे दिग्गज ने पराई नारी को देखा था उसका ये हाल हुआ जिसकी लंका सोने की थी, पर तुम्हारे घर तो मिट्टी के हैं, तेरा क्या होगा। इसलिए रावण ने पराई नारी के जीवन में हाथ डाला, सर्वनाश हुआ। इसलिए कहता हूं सम्मान करना सीखिए अपनी माँ का।